इतनी औकात थी जिसने अमीन कुरैशी की इज्जत में हाथ डाला है। नमक हराम 3 नवंबर से जुमा शब 8 बजे। खुदा बेटा यसरा को बाहर ले आओ, मेहमान आ गए। ठीक है। हाय यसरा, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। जानती हूँ तुम नाराज हो और मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हें जाने से पहले ये रियलाइज करवाना था ताकि तुम एटलीस्ट मुझसे कोई अच्छी की उम्मीद ना रखो। ये तुम्हारे लिए। तुम्हारा फेवरेट ड्रेस, अब आरेज ने तो मना किया था कुछ भी लेने देने से, लेकिन ये मेरी तरफ से एज अ फ्रेंड। आप ये आप रख देना, मैं जब आऊंगी ना फिर कभी तब ले जाऊंगी। यूसरा बेटा चले, मैं लेके आती हूँ। चले चल आराम से। तुम्हें क्या लगता है तुम रूड हो रही हो? ओहो, बल्कि मैंने तुम्हें रूड होने का मौका दिया है, वरना तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। जी जी, अरे यजदानी साहब, मैंने कहा ना कि मैं टाइम पे पहुंचूंगा, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरा जाना ज़रूरी है क्या? आप तो जानते हैं आज तक मैं आपके साथ किसी ऑफिशियल डिनर या फंक्शन पर नहीं गई, मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर? अरे वो एक US बेस्ड कंपनी है, नया स्टार्ट दिया उन्होंने, तो जितनी बिजनेस कम्युनिटी थी सबको उन्होंने इन्वाइट किया, विद फैमिली इन्वाइट किया इसलिए। लेकिन आप तो जानते हैं ना। कुछ नहीं होता, एक घंटा है, तुम रेडी हो जाओ। ठीक। मुबारक हो, तुम अपने मिशन में कामयाब हो गई। आपको भी मुबारक हो। आप रुकें, मैं जरा अच्छी बहू होने का ड्रामा करके आऊं। बहुत मुबारक हो।
अरे यजदानी साहब कैसे हैं आप? मदद हुई, आप तो बिल्कुल ही गायब हैं। बिजनेस की मुसीफियत, भला इस बिजनेस टाइकून का जैसे सारे बिल्डर्स को यहाँ जमा कर दिया। वैसे कहाँ है आपका वो बिजनेस टाइकून? पता नहीं, अभी कोई कह रहा था कि ही इज वेटिंग फॉर हिज वीआईपी क्लाइंट एक्चुअली। ओ देयर ही इज, वो रहे। सलमान, ये तो अपना शहीद है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा है ये। डैड से नहीं मिलोगे? इतनी मेहनत आपको इंप्रेस करने के लिए की है डैड, क्यों नहीं मिलूंगा? I'm not impressed. I'm proud of you. मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द है। ये बेटा यकीन मान, तुमने आज मेरा दिल जीत लिया। अगर आज तुम्हारे अब्बू होते ना, तो फखर से तुम्हारे माथे पर बूसा देते। जीते रहो मेरा बेटा, तुमने छोटे होकर भी बड़े भाई होने का हक अदा किया है। अम्मी, आपकी इन बातों ने मेरा दर्द खत्म कर दिया और मेरा हौसला बुलंद कर दिया। कामयाबी हासिल करना आसान बना दिया। बस मसले लगाना शुरू कर दिए इसने। अरे मुझे मस्के मारने की क्या जरूरत, ये तो वो युसरा का काम था। इससे आप ही बहुत बड़ी फिल्म थी। याद आएगी, हम सबको बहुत याद आएगी। आधा ग्लास तुम्हारे लिए और ये पूरा ग्लास ना आदिल के लिए। वो पूरा ग्लास नहीं पीता ना रात को दूध का, तो उसको नींद नहीं आती। वैसे तुम्हारे घर वाले ना बहुत ही कंजूस निकले, तुम्हारी इकलौती नंद को 2,500-3,000 का जोड़ा दिया है। तुम कल घर जाना ना, तो वापस लेके चली जाना और उसकी जगह पे मेरे लिए कोई सोने की अंगूठी, कोई टॉप्स, कोई चेन लेती भी आना। दूध पी लेना जात से। आदिल को भेजती हूँ मैं। सलमान, तुम बड़े छुपे रुस्तम निकले हो, अपने लायक फाइक बेटे को छुपा के रखा। जी सबा भाभी, आपने भी कभी जिक्र नहीं किया। माशाल्लाह से खामोश मेहनत का कामयाब रिजल्ट खूब धमाकेदार है। वैसे जैसे आप सब लोगों के लिए शहर की बिजनेस एंट्री एक प्लेजेंट सरप्राइज था, वैसे ही हमारे लिए भी एक बेहतरीन तोहफा था जिसने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया। Congratulations. Thank you, Salman. Salman, अब तुम multinational companies के मालिक हो गए। हद होगी है यार, इतनी गर्मी। बोला भी था ससुरालियों को कि 1.5 टन का एसी लगवा दें, लेकिन नहीं। इतने अच्छे नसीब कहां मेरे।
और तुम यहां बैठकर क्या कह रही हो? शादी हुई है हमारी, बीवी हो तुम मेरी, अब क्या यह भी बताना पड़ेगा मुझे? पानी पिला दो यार। मैं नहीं, तुम नहीं, तुम्हारे भूत से कह रहा हूं मैं। और सुनो, मैं कोई रन मुरीद बनने वाला शोहर नहीं हूं, समझी तुम? और मुझे ना बीवी को बीवी बनाकर रखना आता है, समझी तुम? पानी दो जी। कम से कम आने से पहले बता तो देते। मामा, अगर मैं बता देता तो आपके चेहरे पर ये खुशी देखने को मिलती नहीं ना। भाई। आहा। What a pleasant surprise। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि माहम की शादी हो और शहीर भाई ना आए? हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता। वैसे हो तो ये भी नहीं सकता कि तुम मुझसे अपने फियांसे को छुपाओ। अच्छा ये बताओ कि ये सब कुछ किया कैसे तुमने? ये सब कैसे किया? बस मामा, मेहनत, बहुत मेहनत और बस मेहनत। लो शहीर, इतने अरसे के बाद रात की इस पहर तुम्हारे साथ कॉफी। रात बहुत अरसे बाद नहीं, परहैप्स पहली बार। अरे सब छोड़ो ना, ये देखो। थैंक यू। शादी, मैंने ये सब तो नहीं चाहता। ये सब क्या हो गया मुझसे? ये अजमी कहाँ रह गए? अभी तक नहीं आया, टाइम क्या हो रहा है? अम्मी आप अभी तक यूसरा की तरफ नाश्ता नहीं लेकर गई? बेटा अजमी पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक हलवा पूड़ी नहीं लेकर आया। अच्छा आता ही होगा। अम्मी आपसे एक बात पूछूं, शादी के बाद बेटियों को पराया क्यों कहते हैं? बेटियों को पराया इसलिए कहा जाता है कि एक ही दिन में बेटी का घर और सब घर वाले बदल जाते हैं। अच्छी लाइंस बोलना शुरू कर दी आपने। मैं तो कहती हूँ सिलाई कढ़ाई छोड़ें और मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएं। अरे बेटा कहाँ, अगर समझाने से लोगों को बात समझ आने लगती तो आज सारी दुनिया समझदार हो चुकी होती। ठीक कह रही। चले मैं ऑफिस चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है, एक दो जगह सीवी भी मैंने ड्रॉप करनी है। ऑफिस क्यों जा रही हो बेटा, हमें तो यूसरा के घर नाश्ता लेकर जाना है। अम्मी जान मैंने सिर्फ दो छुट्टियाँ ली थी और छुट्टी लेने का मतलब अपनी सैलरी कटवाना, और आपको पता है ना इस वक्त हमें पैसों की कितनी जरूरत है। खुदा बेटा, अल्लाह तुम्हें इसका अजर जरूर देगा इंशाल्लाह। तुमने अपने कमजोर कंधों पर अपने बाप की जिम्मेदारियां डाल ली। जिस बाप ने मुझे सारी जिंदगी पलकों पे बिठा के रखा है,
उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अच्छा मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, नाश्ता करके जाना। नहीं अम्मी, मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है और कहीं भी देर से पहुंचना हुदा इस्माइल की शान के खिलाफ है। अपना ख्याल रखिएगा। अपने बाप की तरह असूल पसंद है। अरे रिजवाना, जा जाके तू चाय बना ले, ये दुल्हन के घर से तो कोई नाश्ता वाश्ता आएगा नहीं। अम्मा मैं नहीं बना रही यार, मुझसे ही बोलती रहती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वो क्या जीजे लगा रखा? वो फजूल के चोंचले, तुम्हारी अम्मा बहन ने नाश्ता तो भेजना नहीं है, हम तो भूखे ही बैठे रहेंगे। अम्मा बड़े ही अजीबोगरीब लोग हैं। कल का खाना वाना तो बचा होगा ना, लेकिन हमारे साथ नहीं बांधा। इतनी कंजूस मक्खी चूस टाइप के लोग हैं। अम्मा बहुत गर्मी है भाई। तो हमें क्या सुना रहा है? जाके सुना ना अपने ससुराल वालों को, जिन्होंने जहेज के नाम पे हमसे मजाक किया। अम्मा तुम्हें देखा नहीं कैसे फजूल से जोड़े में मुझे तड़का दिया है, और अपनी बेटी को बालियां दी, झुमकियां दी, और न जाने क्या क्या दिया। एक इकलौती मैं बहन हूँ, जर से मुझे बालियां ही दे देते तो क्या चला जाता इनका। किसराए में क्या सुन रहा हूँ? मैं अभी घर जाऊंगी, मैं मम्मी से बात कर लूंगी। हाँ कहना उनसे, लेकिन जरूर कहना, और एसी के लिए भी, और अपनी बालियां दो आप ही को। अरे एक ही तो बहन है मेरी। सुन लिया ना तुमने क्या बोल रहा है तुम्हारा शौहर? और अच्छी बीवियां ना शौहर की फौरन बात मानती हैं, समझी? आई नहीं अम्मा रहने दो, मुझे नहीं चाहिए किसी की पहनी हुई बालियां। फिर सब कहेंगे भाभी की जबरदस्ती बालियां पहन ली। तुम जो अपने घर जाना ना, तो अपनी बहन से बोलना मुझे नई सोने की बालियां लेके दे, पहनी हुई नहीं पहनती मैं किसी की। हेलो जी, ठीक है सर, ओके। हाँ मिस हुदा जी। सर क्लाइंट डीलिंग आपके पास है? जी हाँ मेरे पास है। आप 3 दिन से लीव पे थी, आपको नहीं लगता थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल हो रही है? नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैं चाहे लीव पर थी लेकिन मैं घर से काम कर रही थी। सर मिस हुदा ने प्रेजेंटेशन टाइम पे कंप्लीट करके मुझे हैंडओवर कर दी थी, एंड आई जस्ट ईमेल यू द फाइनल ड्राफ्ट, प्लीज हैव अ लुक। ओके थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है यार, मैंने सिर्फ सच ही तो बोला। देखो ना मैं ऑफिस के लिए फिर लेट हो रहा हूँ, तो पता है हफ्ते में 1-2 दिन लेट जाने लगा हूँ, कम से कम तो मुझे टाइम पर तो उठा दिया करो। कम से कम का क्या मतलब? वरदा इस बहस में उलझने के बजाय अगर तुम मेरी प्रॉब्लम समझो बेहतर नहीं है? मेरा प्रमोशन नहीं होगा और अपार्टमेंट की बुकिंग के बाद प्रमोशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और फिर देखो ना यूटिलिटी बिल्स आ गए हैं, फिर सफिया खाला को बीसी के पैसे देने। सफिया खाला की 2 महीने की कमेटी के पैसे रहते हैं, मैं तो कहती हूँ दोनों कमेटियों के पैसे एक साथ देके जान छोड़ा। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? पूरी बात तो सुन ले पहले मेरी। और यूटिलिटी के बिल्स आप आंटी को दे और उनसे कहें कि हुदा से भरवा ले, अगले महीने की कमेटी और यूटिलिटी बिल्स उससे आपके जान छूट जाएगी, पैसे बच जाएंगे। मगर मगर क्या, रिलैक्स। घर का सारा खर्च आप करते हैं, ग्रोसरी आप करते हैं, ये भी कोई कम है क्या? अच्छा चलो ठीक है, तुम मम्मी को दे देना बिल्स खुद ही प्लीज। मैं दे दूँ। मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ओके खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। लगता है बेटी की यानी कि बहुत खुशी है। क्यों नहीं होगी, लो बेटा सारी। अरे हलीमा
फ्रिज में ना जूस रखा हुआ है, मैं भूल गई बोलना, जल्दी से लेकर आओ। थैंक यू मॉम, आपके हाथ के सैंडविचेस में वैसे भी बहुत मिस कर रहा था। देख लो भाई, अपने बेटे के आने की खुशी में हमें ये बिल्कुल भूल चुके हैं। मजाला कभी इन्होंने इतना हमारा ख्याल रखा हो। सलमान ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अरे मजाक करो यार। असल में बात ये है ना डैड के आपने कभी मजाक किया ही नहीं, तो हमें पता नहीं है कि आपका मजाक होता कैसा। ठीक है रोशनी, डिक्टेटर सलमान ने कभी बाप बन के बिहेव जो नहीं किया, इसलिए बीती बातों को भूल जाए सलमान। अच्छा शहीर ये बताओ कि आज का क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ खास नहीं मॉम, बस कुछ इंटरव्यूज लाइन अप हैं, वो होंगे तो एक साइट विजिट करूंगा एंड दैट्स इट। इतना बड़ा चेंज कैसे? कैसे का तो नहीं पता डैड, लेकिन हाँ इस चेंज में कुछ वक्त जरूर लगा। माहम नजर नहीं आ रही, क्या वो अभी तक आधे दिन तक सोती रहती है? हाँ ऐसा ही है, और अब तो मैं उसको इतना टोकती भी नहीं। जूस प्लीज। बस बस थैंक यू। क्यों क्यों रोका मैंने उसे? वो अपनी बहन की शादी के दौरान भी ऑफिस की जिम्मेदारियां निभाती गई, ये हमेशा से ऐसी थी। मैं कम इन सर। जी थैंक यू। मैं जानती हूं कि आपको बहुत मुश्किल हो रही है मुझे इस कंपनी में देखे, लेकिन मैं आपको ज्यादा दिनों तक मुश्किल में नहीं डालूंगी, इसीलिए अनप्रोफेशनल बॉसेस की तरह बिहेव करना बंद करें। अच्छा तो अब आप मुझे बताएंगी प्रोफेशनलिज्म के बारे में। चलिए बताएं, वैसे भी आपको बहुत शौक है ना सबक सिखाने का। देखिए अजमीर, मेरा मतलब है कि देखिए सर, मैं आपके साथ किसी भी बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैं यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए हूँ, तो बिला वजह इल्जाम लगाना बंद करें। कि आपके हक में भी बेहतर होगा और मेरे हक में भी। थैंक यू। यूसरा वैसे तुम्हारे ससुराल वाले मुझे काफी अजीब लगे, मुझे ना सारे के सारे साइको लग रहे थे। असमी पूरी बात, अब वो सब तुम्हारी बहन के घर वाले हैं। घर वाले ही हैं अब। अच्छा तुम ना अम्मी के साथ बैठ के अपनी ससुराल की गीबतें करो, मैं जा रहा हूँ ट्यूशन पढ़ाने। अच्छा अम्मी मेरा आप वेट नहीं करेगा, मुझे रात में शायद देर हो जाए, और तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? असमी एक ही दिन में कितना बदल गया है ना। बेटा सिर्फ वो नहीं बदला, तुम भी बहुत बदल गई। अब देखो जो युसरा टर्टर बोलती थी कितनी देर से खामोश बैठी, और वहां अपने घर में भी सबकी बातें सबर और तहमुल से सुन रही। अरे वाह, नई नवेली दुल्हन आई हुई है भाई, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। इतने दिनों से मैं तुम्हें याद करी थी, तुम्हारे हाथ की चाय मैं अब तक मिस करती हूँ। अब आ गई हो तो अच्छी सी चाय पिला दो। वर्दा युसरा अब इस घर में मेहमान है, और वैसे भी इसने कल चले जाना। मैं तो भूल ही गई थी, तो फिर ठीक है आप ही चाय बना दीजिए मेरे लिए गरम गरम, और हाँ जो सुबह हलवा बनाया था ना वो भी गरम करके दे दीजिएगा। ओहो, जो अहम काम था वो तो भूल ही गई, बिल आरेज ने भिजवाया, कहा है कि हुदा को दे दीजिएगा,
तारीख निकल जाएगी ना, वरना डबल हो जाएगा। अपार्टमेंट की किस्त देनी है तो जल्दी पे कर दीजिएगा, ठीक है? कैसे बर्दाश्त कर लेती अम्मी आप? भाभी कितने सख्त जुमले, सख्त जुमलों और बदतमीजी के पीछे मेरे ही बच्चे की शायद। खैर छोड़ो बेटा, तुम आराम करो, मैं वरदा को चाय और हलवा देकर आती हूँ। सलमान, मुझे तो फिक्र हो रही है, जब शहीर को पता चलेगा कि माहम की शादी अस्मीर से हो रही है। ये सोच के तो मैं परेशान हो रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला है, कहीं फिर से वो। लेकिन उससे ये सब कुछ छुपाया तो नहीं जा सकता ना? एग्जैक्टली, इसमें छुपाने वाली बात ही क्या है? वैसे भी जो कुछ हुदा ने किया है उसके बाद अजमीर ने किसी ना किसी से शादी तो करनी थी, तो अगर वो मुझसे कर रहे हैं तो इसमें हर्जी क्या है मॉम? और हाँ, ये बात आप लोग शहीद भाई को जितना जल्दी बता सकें उतना बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो हमें कहीं और से पता चल जाएगा। और ये बात उन्हें समझा दें तो भी बेहतर होगा, अगर ना भी समझाएं तो समझना तो उन्हें पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी शादी अपनी मर्जी से करने का हक रखती हूँ। आफ्टर ऑल मेरी खुशियों का सवाल है। वो जो आप मेरी वजह से छोड़ रही है, इतनी अकड़ क्यों है इस लड़की में? मुझे छोड़कर उसके पास गई थी, फिर उसे क्यों नहीं अपनाया? इसमें तुम ये सब भूल क्यों नहीं जाते? वो भी तो ये सब कुछ भूल चुकी है। मैं देखा नहीं किस तरह वो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। मैं क्या करूं, जलता हूं। वो बेवफा है और वो बेवफाई करके भी सुकून में है, और मैं वफा निभाने के बावजूद भी उससे नफरत नहीं कर सका। अजमूर, हिम्मत पकड़ो। इरसा, ये हुदा। सर, एक्चुअली शी वाज नॉट फीलिंग वेल एंड उसने सर इब्राहिम को ईमेल करके इन्फॉर्म कर दिया था। सर, एक्चुअली हुदा ने रिजाइन कर दिया, बट सर इब्राहिम ने अभी तक उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। सर, हुदा इज अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड इंडिविजुअल, लेकिन मुझे नहीं लगता सर इब्राहिम उसे ये जॉब कंटिन्यू करने पर कन्विंस कर पाएंगे। यसवा बेटा, मैंने दरवाजा बंद कर लिया, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। बेटा मुझे बताओ, तुम उदास क्यों हो? क्या वजह है, क्या हुआ है, कुछ तो बताओ बेटा। अम्मी मुझसे सख्ती होती, मुझसे बहुत गलती होगी अम्मी। कोई तो खाया था ना मैंने आपका, कहीं ऐसा
दिल अच्छे नहीं है। वो लोग अच्छे नहीं, नहीं। आदिल के साथ दे रहे सर, तमाम सीसीटीवी कैमरा आपके लैपटॉप से कनेक्ट कर दिए हैं। ये जो 6 विंडोज आ रही हैं, राइट? जी। ओके, ग्रेट। थैंक यू। थैंक यू। जिंदगी क्या क्या रंग दिखाएगी मुझे। तालिया, ये इंटरव्यू कैंडिडेट्स की लिस्ट भेजोगी मुझे? और क्या बकवास है युसरा, शादी क्या बच्चों का खेल है कि जब चाहा खेल लिया और जब चाहा सब खत्म कर दिया? मुझे पता है आप ये सब क्यों कह रही है, क्योंकि क्योंकि आपको नहीं पता ना अम्मी उन्होंने मेरे साथ क्या किया, नहीं पता ना आपको। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है और कहा है कि जाके अपनी माँ को बोलो कोल के एजेंट्स दे। युसरा, मेरी बात दिमाग में बिठा लो, अब जो भी है जैसा भी है हर हाल में तुम्हें अपने घर में निभाना है। और हाँ, तुम्हारे लिए इस घर में वापसी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। होता इस्माइल, होता बस मीर क्यों नहीं? फिर आई गेस ये बात में भी सोचा जा सकता है। बस ये है कुछ हो रही है। वेलकम बैक होता। होता
my office.